हाय दोस्तों, मैं अनीता जैन। आज मैं किचन टिप्स बताऊंगी जिससे कि किचन में काम करना आसान हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं चाय छलनी को साफ करूंगी। देखिए कितनी गंदी हो रही है ये। तो मैंने गर्म पानी कर लिया है और ये कपड़े धोने वाला सर्फ है, इसे डाल देंगे इसमें और इसे भीगने के लिए इसमें रख देंगे। आधा घंटा करीबन इसमें भीगने देंगे इसे। आधा घंटा हो गया है, अब इसे हम मसल लेंगे। देखिए इतना तो साफ हो गया है, अब इसे हमें मसलना है। तो इस तरह से मसल लेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा। ये देखिए कितनी अच्छी साफ हो गई है, अब इसे और भी साफ करेंगे। तो इसे इस तरह से डुबोते जाइए और इस तरह से रगड़ते जाइए। देखिए चलनी साफ हो गई है, अब इसे हम पानी से साफ कर लेंगे। देखिए इस तरह से साफ आप भी कीजिए। जब भी गेहूं का दलिया बच जाए, ये मेरे गेहूं का दलिया बच गया है, तो इसे फेंके नहीं, इसके या तो कटलेट बना ले या इसकी पूड़िया भी बना सकते हो और इसके पराठे भी नमकीन बना सकते हैं। जब भी हम गेहूं का आटे लगाते हैं तो उस आटे को ले ले और उसमें ये डाल दे, पानी नहीं डाले, बस इसी से आटा लगाए और जो भी मसाले डालते हो पराठे में वो पराठे डाल के पराठे तैयार करें, तो ये बड़े स्वादिष्ट लगेंगे। जब भी हम दाल बनाते हैं तो हल्दी, नमक और धनिया पाउडर ये तो हम डालते ही हैं, लेकिन इसमें अगर घी डाल दे, घी ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल दे, एक चम्मच करीबन डाल दे, तो इससे दाल टेस्टी तो बनती है और पकती भी जल्दी है। जब भी हम पुए बनाते हैं, ये मैंने पुए का बैटर कर लिया है, अब इसमें अगर हम नारियल के पीस डाल दें, ये मैंने नारियल के पीस कर रखे हैं इस तरह से, इसे डाल दें और फिर पुए बनाएंगे तो पुए काफी स्वादिष्ट लगते हैं, तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए। जब भी हम बाजार से नए बर्तन लाते हैं, उन पर टेक लगा रहता है, तो ये आसानी से इस तरह से हटता नहीं है। देखिए कितना चिपक रहा है, तो इसे हटाने के लिए हमें गैस पर रख दे और गरम कर ले। ये जैसे जैसे गरम होता जाएगा वैसे आराम से हटता जाएगा। देखिए ये जो गरम हो जाता है ना, तो इस तरह से नए बर्तनों के टेक हटाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।